नेक्स्ट हम बात करेंगे घुटने के दर्द के लिए, तो नी प्रेस ट्रीटमेंट है। नी प्रेस ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, घुटने के दर्द की कंडीशन में घुटने के आगे के हिस्से को प्रेस करते हैं और घुटने को मोड़ने के लिए कहते हैं। आइए देखते हैं कि क्या करना है। आप घुटने के दर्द में देखेंगे कि ज्यादातर लोगों को, अगर मैं इनको मोड़ू तो यहाँ पर आगे की तरफ इनको दर्द होगा। यहाँ पर आप आगे की तरफ दिखा दो, ये आप देखेंगे घुटने की इनको आंखें भी कहते हैं। जैसे आपने कभी नारियल के ऊपर देखी होंगी दो गड्ढे होते हैं, उनकी हम नारियल की आंखें बोलते हैं उनको। ये दिख रहा है, दिख रहा है। तो ये जो गड्ढे हैं, ये जो दो गड्ढे हैं, इन गड्ढों के ऊपर ही ज्यादातर लोगों को आगे की तरफ दर्द होता है। इसमें हम क्या करेंगे कि इन दोनों गड्ढों पर अंगूठे को रखेंगे और प्रेशर देंगे, फिर घुटने को सीधा करेंगे, फिर रिलैक्स करेंगे। अब यहां से स्टार्टिंग करनी है, दोनों घुटनों को आपने प्रेस करना है, इन्हीं दोनों गड्ढों को हमने प्रेस करना है। फिर पेशेंट को कहना है कि आपने घुटना ऊपर की तरफ मोड़िए, घुटना मोड़िए, घुटना मोड़ना है, फिर नीचे लेकर आइए। ये पूरी एक स्टेप है, फिर इनको प्रेस करेंगे, फिर मोड़ने के लिए कहेंगे, फिर नीचे, फिर प्रेशर देंगे। तो ऐसे आपने 5 से 7 बार करना है। जिन लोगों को घुटने में दर्द होगा उनको ये एक्सरसाइज करते समय भी दर्द होगा। आपने घुटने के ये दो पॉइंट है इनको ही प्रेशर देना है, इसी को हम नी प्रेस ट्रीटमेंट कहेंगे। मुड़िए नीचे, 5 से 7 बार आपने करना है। जब आप ये करेंगे तो 5 से 7 बार कर चुके होंगे, फिर घुटने को आप मोड़ने के लिए कहते हैं पेशेंट को, तो उनको पहले से हल्का घुटना लगेगा। जैसे मैं 5-7 बार इनको करा देता हूँ पहले, ठीक है, फिर अगर ये घुटने को मोड़ेंगे या सीधा करेंगे तो इनको पहले से ये हल्का नजर आएगा, फिर ये रिलैक्स करेंगे। अब ये घुटने को मोड़ेंगे, अगर इनको घुटने में दर्द होता तो पहले से रिलैक्स घुटना इनको लगेगा, हल्का लगेगा, क्योंकि अभी हमने उन दोनों पॉइंटों को प्रेस किया जहां पर ज्यादातर लोगों को घुटने के दर्द के दौरान यहां पर भारीपन या दर्द का एहसास होता है। तो ये हमारा है नी प्रेस ट्रीटमेंट, जिसमें हम घुटने से अंगूठे से घुटने को प्रेस करते हैं और घुटने की मूवमेंट कराते हैं।